माय गॉड, ये क्या बना दिया है इसने। ओ भाई साहब, शिट यार, ये क्या गाड़ी लेके आया है यार, क्या। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम सुबह, आप सभी देख रहे हैं शक में जरा आ चुके हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और आ चुके हैं हमारे अपने ऑल वाले रियल स्टोरीज वाले मोड्स में, और इस मोड्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज हम जाने वाले हैं, हमारी न्यू गाड़ी आ चुकी है, सिविक होंडा। जी हाँ गाइस, सिविक होंडा आ चुकी है हमारे दोस्त के पास। उसने बोला है कि ये बहुत ही अमेजिंग गाड़ी है आई, और तुम्हें ये ज़रूर लेनी है। तो भाई साहब, आज हम वहीं लेने जा रहे हैं। उसके साथ साथ ये हमारा सिक्योरिटी वाला क्यों आया है वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। और उसके साथ साथ जो ये गाड़ी आई है ना भाई साहब, आप देख के हैरान हो जाएंगे। मुझे तो बहुत ही अमेजिंग लगी है सिविक होंडा। आप भी ज़रूर देखना इसको लास्ट तक, और देखते हैं गाइस कैसी बनी है। और बहुत ही अच्छी तरह मॉडिफिकेशन हुई है, हुई पड़ी है वो वाली सिविक। और मैंने वो कहाँ पर देखी थी कि मुझे उसने पिक्स दी थी और भेजी थी। उसके साथ साथ हम आ चुके हैं बाहर, और इसको मैंने इसलिए मंगवाया है सिक्योरिटी वाले क्योंकि ये गाड़ी हम लेके जा रहे हैं LX570 अपनी। और ये गाड़ी मैंने पिछली दफ़ा उसी दोस्त के साथ बाय की थी, तो वो वीडियो नहीं देखी तो जाके जल्दी से ले देख लो। तो सिक्योरिटी वाले के साथ हम जल्दी से चलते हैं, मतलब ये ड्राइवर है समझो, उसके साथ जा रहा हूँ। और ये गाड़ी वापस ये के आएगा अपने घर, मतलब मेरे घर। उसके साथ साथ हम आएंगे होंडा सिविक पर। जी हाँ गाइस, और हम जा रहे हैं अभी जल्दी से वहाँ पर, और मैंने मार्क भी कर लिया है हमें जहाँ पर जाना है, तो फटाफट वहाँ पर चलते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते। तो गाड़ी का थोड़ा सा एड्रेस अपनी बढ़ा लेता हूँ गाड़ी की, ताकि हम थोड़ा सा जल्दी पहुँचे, और वो भी हमारा वेट कर रहा है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने हाईवे की तरफ। ओ भैंस की, ओ सॉरी सॉरी यार, मेरी गलती है क्योंकि मैंने पीछे देखा ही नहीं। और क्योंकि भाई साहब हाईवे है, और हाईवे पर हम स्लो गाड़ी चला रहे हैं, ये बात नहीं अच्छी। ओके, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। उसने बोला था कि यहाँ पर ही है, यहाँ पर हमारा घर है। तो देखते हैं, पिछली वाली भी हमें यहीं पर हमारी LX570 यही गाड़ी मिली थी, तो देखते हैं अब यहाँ पर हमारी गाड़ी है कि नहीं, वो मतलब होंडा सिविक। और पिछली दफ़ा हमारी होंडा सिविक ओल्ड वाली जो है ना, डैमेज हो चुकी थी पूरी तरह। ओ भाई साहब, मैं तुझे बताना भूल गया कि तू जा बस घर में, आ जाऊंगा होंडा स्वेक में। ओके, तो यहाँ पर चलो भाई साहब, हम चलते हैं आगे। वहाँ पर वो बंदा खड़ा है, तो मैं बता रहा था कि हमारी होंडा स्वेक हो गई थी पूरी डैमेज हमारे एक्सीडेंट में। जी हाँ गाइज, और वो वीडियो भी नहीं देखी तो जाके देख लो जल्दी से। उसके साथ साथ ओ भाई साहब, ओ माई गॉड, ये क्या बना दिया है इसने। ओ भाई साहब, शिट यार, ये क्या गाड़ी लेके आया है यार, क्या बताऊँ मैं तुझे, क्या गाड़ी लेके आया है यार, क्या बताऊँ। पहले तू बस मिलना छोड़ा भी, ये यार ये क्या लेके आया, एकदम बॉम लेके आया यार, कसम से। क्या गाड़ी बनाई है, किसने बनाई है यार, उसको तो मैं एकदम मतलब क्या बताऊँ, अब क्या कहूँ उसको यार, यार क्या बता। ओ भाई साहब, हैंडलिंग अच्छा, राइट साइड की तरफ हैंडलिंग कर दी है इसने। ओ भाई यार, क्या बताऊँ, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है यहाँ पर, लेफ्ट साइड है, हाँ ओके। ओ भाई साहब, क्या यार गाड़ी कर दी है यार। अच्छा, इसकी प्राइस प्राइस मैं तुझे जल्दी से मोबाइल से मतलब दे देता हूँ, और यहाँ पर जो भी इसकी प्राइस है, और ये गाड़ी मैं लेके ही जा रहा हूँ, तो इसको मैं अलग से भी थोड़ा सा मॉडिफाई करवाऊंगा, पर यहाँ पर तो ये बहुत ही अमेजिंग लग रही है। तो जल्दी से इसको, ओके गाइस, तो इसको मैंने पैसा वैसा दे दिए हैं, तो अब इसका साउंड सुनते हैं। ओके, ओहो भाई साहब, क्या अमेजिंग साउंड है यार, आप भी बताना ज़रूर। पर इसका अभी तक जो है ना, वो हमने नहीं किया, ट्यूनिंग नहीं की इंजन की। उसके साथ टर्बो भी इसमें शायद लगेगा, इसलिए साउंड थोड़ा सा कम है, पर इसका साउंड बढ़ाएंगे। ओह भाई साहब, मीटर चेक करो गाइस, मीटर कैसा काम कर रहा है। उसके साथ यहाँ हमारे पास एंड्रॉयड टीवी, एंड्रॉयड नहीं, आईफोन वाली टीवी भी है, वो नाइस। क्या गाड़ी बना दी है, थैंक यू ब्रो। उसके साथ साथ गाइस, यहाँ पर हमारे मिरर भी काम कर रहे हैं, देख सकते हो। ओहो भाई साहब, तो तुम्हें सब कुछ मिल चुका है, और थैंक यू यार, बहुत ही मज़ा आया तुमसे मिलके। तो चलता हूँ बस गाड़ी को लेके, मैं निकलता हूँ, तुम भी बस चला गया शायद। ओके, तो लेट्स गो गाइस, चलते हैं इस गाड़ी के साथ, इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर इसके इंडिकेटर्स भी काम कर रहे हैं, आप देख सकते हो, क्या बात है।
है यार, क्या गाड़ी लेके आया है, कसम से एकदम फटाका। और लेट्स गो गाइस, चलते हैं, क्या लग रही है। उसके साथ साथ मुझे ज़रूर आप कमेंट में भी बताना कि आपको कैसी लगी और ये आपको ग्राफिक्स कैसे लगे। यहाँ पर ये आपको ग्राफिक थोड़े से कम नज़र आते होंगे, पर मैं जो है ना जल्दी से ग्राफिक वाले मोड इंस्टॉल करने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे वाले, तो वो भी आपको जल्दी से देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको गाड़ी कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट में बताना। और यहाँ पर हम इसकी थोड़ी सी स्पीड टेस्ट भी कर लेते हैं कि कैसी है इसकी स्पीड टेस्ट। तो लेट्स गो गाइज। और यहाँ पर हमारा मीटर मतलब शो नहीं हो रहा, पर इसमें देखा ही नहीं दे रहा, जिसको ऑन करता हूँ मैं, एक मिनट। ओके, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं मीटर मीटर के साथ। और यहाँ पर देख सकते हो गाइज, इसकी स्पीड जा रही है 160 पर जा चुके हैं। और यहाँ पर देखते हैं आगे चल रही है कि नहीं। ओके गाइज, तो यहाँ पर 180 पर आ चुके हैं हम। भाई साहब, क्या स्पीड चल रही है, बहुत ही अमेजिंग स्पीड चल रही थी। और यहाँ पर हम रुके हैं क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसका कलर मैं कौन सा करवाऊँ। उसके साथ साथ इंशाल्लाह मैं जो नेक्स्ट मॉडिफाई वाली वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं इसकी इंजन और इसके साथ साथ टर्बो वाली स्पीड भी लगवाऊँगा। उसके साथ साथ मुझे कलर भी कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन सा अच्छा कलर लगेगा इस पर। मुझे तो शायद ब्लैक या वाइट अच्छा लगेगा, मुझे तो मतलब ये आ रहा है जहन में कि मैं वही लगवाऊँ वाइट वाला, क्योंकि भाई साहब वो भी बहुत ही अच्छा लगता है होंडा सिविक पर। आप भी अपनी राय बताना, अपना आइडिया बताना। ओके गाइस, तो अभी हम चलते हैं अपने घर की तरफ और वहाँ पर जाके हम गाड़ी को पार्क कर लेते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि ग्राफिक का ज़रूर मुझे बताना कि कैसे लग रहे हैं गाइस। और मेरा जो है ना PC अपडेट कर चुका हूँ, तो वो भी मैं आपको जल्दी बता दूँगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर हम जो है ना अपने घर की तरफ आ चुके हैं, बस थोड़ा सा ही दूर है। और यहाँ पर जो है ना, और ज़रूर आप जो भी मतलब गाड़ी की बारे में जो भी है मुझे ज़रूर बताना यार, मुझे तो अमेजिंग गाड़ी लगी है, आपको कैसी लगी वो मुझे बताना। और गाइस, इंशाल्लाह जो मैंने बॉस को मारा था जॉन को, उसका घर भी जल्दी से मैं आपको दिखाने वाला हूँ मुकम्मल। और उसकी सिक्योरिटी भी अब मेरे कब्ज़े में है, तो वो भी मैं आपको जल्दी दिखाने वाला हूँ, तो वो भी वेट करना। और हाँ गाइस, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। उसके साथ साथ अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक एंड तो यार पूरा कर देना, जैसे ही आप रोज़ करते हो। और इंशाल्लाह इस वीडियो के मतलब इस वीडियो में इतना ही है, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। और गाइस, आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कैसी लगी है गाड़ी। और यहाँ पर हमारी LX570 भी हमारी आ चुकी है गैराज में, आप देख सकते हो पीछे। और यहाँ पर ये गाड़ी भी हम जो है ना जल्दी मॉडिफाई करवा लेंगे इसका भी थोड़ा सा, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अपनी सिविक को भी मॉडिफाई करवाऊँगा। उसके साथ साथ मैं जल्दी गैराज बनाने वाला हूँ एक बड़ा सा, जिसमें मैं पूरी सारी गाड़ियों को इकट्ठा करने वाला हूँ, तो वो भी जल्दी से देखेंगे। तो अभी हम जो है ना वीडियो को एंड कर रहे हैं। उसके साथ साथ इस वीडियो में इतना ही है, अगर वीडियो अच्छी लगी ज़रूर लाइक कर देना, चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।